नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम आपको जोड़े हुए हैं बक्सर के अहिरौली से, वो पुण्य क्षेत्र जहाँ बक्सर के इतिहास के आज तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, या यूं कहें तो सिद्धाश्रम की पुरानी परंपरा को, विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र ऋषि के धाम को फिर से धार्मिक नगरी बनाने के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं। ये आयोजन इस शाहबाद का सबसे बड़ा आयोजन कहा जाए तो ये जो देखिए प्रवेश द्वार है, इसको गजराज की मूर्ति से सजाया गया है, जो आकृतियाँ दी गई हैं, ऐसा लग रहा है कि पुराने अतीत की छाया इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। ये अश्व और साथ ही ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा था, अभी फिलहाल गजराज की जो आकृति आपके सामने दिख रही है, ये अपने आप में काफ़ी अनोखी है। और यूँ माने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक सुनहली परत से बनाई गई है। अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे और हर क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। ये प्रवेश द्वार है, इस द्वार से ही आगंतुक और श्रद्धालु आएंगे। ये जो टेंट लगा है, यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये कुछ निजी संस्थाएं हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, और साथ ही कई ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो खुद से इस स्थल में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। ये अगर हम प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ देखें तो कुछ ऐसे ये छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं, संभवतः ये पूछताछ के काउंटर हो सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीज़ हो सकते हैं जो लोगों के सहयोग में आए। तो व्यवस्थित तरीके से प्रवेश द्वार पर ही इनकी व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार के अंदर अगर हम आते हैं तो दाहिने तरफ में हम आपको दिखाएं तो इस तरह के छोटे छोटे जो कार छोटे छोटे पंडाल की तरह नुमा आकृति दी गई है। ये देखिए जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे एक मैट बिछाया गया है जो हरे रंग का है, और बिल्कुल ये साफ सफाई की पूरी व्यवस्था भी। मुझे धीरे धीरे इस कार्यक्रम में लोगों का जुटान शुरू होगा और यहाँ प्रशासन की भी व्यवस्था पुख्ता है। देखिए चारों तरफ लोग दिख रहे हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम आपको प्रयास करेंगे दूर दूर तक ले जाने का और इस क्षेत्र से घुमाने का। ये क्षेत्र देखिए, ये छोटे छोटे पंडाल हैं और ये हो सकता है, संभवतः अभी इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था बनाई गई है। ये अगले 7 से 8 दिन जो बक्सर का जो क्षेत्र रहने वाला है ना, ये अपने अतीत में जीने वाला है। ये बक्सर का जो क्षेत्र है, जो हमने सुना था कभी सतयुग में इसे सिद्धाश्रम कहते थे, द्वापर में वेदगर्भपुरी कहते थे, ये कालांतर में जो इसका क्षय हुआ है, कारण जो भी हो, इतिहास ने हमें अपने आप को बचाए रखने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन हमने हर मौके पर खुद को गंवाया है। ये मिनी काशी नहीं है बक्सर, ये खुद में बहुत बड़ा है बक्सर। खैर, ये वक्त है फिर से इस नगरी को संवारने का। आयोजन जो करे, आयोजन में जो आए, फर्क कम पड़ता है। फर्क ये है कि बक्सर में ये आयोजन हो रहा है और इस अतीत को, इस गौरव, इस परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। ये आयोजन इस बात को फिर से बताता है। अभी हम आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं प्रभु राम की वो आकृति जो चर्चा का केंद्र पूरे देश में बनी हुई है। ये आकृति जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसे दियों से आज जलाया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं ये प्रभु राम की, आपने बहुत सारे फुटेज देखे होंगे, पर हम आपको करीब से इसको ले जाकर दिखाते हैं। लाइव बने रही है, एक एक जगह से हम पूरे क्षेत्र का आपको भ्रमण कराएंगे। देखिए ये पूरी तरीके से दियों से सजाया गया है आकृति, ये ऐसे ही बनाई गई है। देखिए हम शायद आपको दिखा ना पाए, ऊपर से अगर आप देखें यकीनन ये जो लोग लगे हुए हैं, और देखिए पहले बनाने के पहले इसमें रेखांकन किया गया, और उस एक एक रेखांकन को इस तरह से भरा गया रंग बिरंगे दीपों के साथ। ये प्रभु राम की आकृति आपको दिखे, इसमें कुल कितने दीपक होंगे हम कुछ इसमें, भैया इसमें कुल कितने दीपक है? 11 लाख। तो अभी देखिए ये लगे हुए हैं काम में, और संभवतः ये दीपक आज ही चलाए जाएंगे ना। ये दीपक जलने वाले नहीं। अच्छा, ये दीपक को ऐसे ही रखा गया है, मुझे काट बोलते हैं लोग। कई फुटेज आए हुए हैं तो प्रभु राम, और इसमें क्या क्या आकृति में तारिका वध का ये दृश्य है, जो विश्वामित्र ऋषि प्रभु राम को इंगित कर रहे हैं, और प्रभु राम उस तो जी वामन अवतार भी यही है इसी क्षेत्र में। तो यहाँ ऐसे अभी जो मुझे पता चला है, 3 दृश्य यहाँ आप देख सकते हैं जो इस पुण्य भूमि से जुड़ी हुई है। एक प्रभु राम द्वारा तारका वध का जो दृश्य है, और उसी के साथ दूसरा जो दृश्य है भगवान विष्णु के 5वें अवतार है, जिनका प्रकट स्थल बक्सर ही है,
तो वो भी है। और तीसरा अहिल्या उधार, ये देखिए अभी ये लोग तैयार कर रहे हैं सिद्धाश्रम। ये देखिए सिद्धाश्रम, मैं आपको दिखाऊं कैमरे में सिद्धाश्रम लिखने का जो कार्य है वो चल रहा है। सिद्धाश्रम ये जो नगरी है ये अपने आप में अनूठी रही है। कहते हैं ये जो भूमि है ये प्रलय काल में भी सिद्ध रहती है। भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ तप किया था। और एक बार ऐसा हुआ था कि माता पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जब डुबो दिया था, लेकिन माता पृथ्वी को जब तारण किया था भगवान श्री हरि ने, तो वो समय आया था तो माता पृथ्वी ने भी ये सवाल पूछा था कि आखिर वो कौन सा क्षेत्र है जो मेरे डूब जाने के बाद भी प्रलय काल में भी सिद्ध रहा। तो भगवान श्री हरि का यही जवाब था कि वो क्षेत्र है सिद्धाश्रम का, वो क्षेत्र है हमारे बक्सर का। ये जो क्षेत्र है प्रलय काल में भी सिद्ध रहता है, ये आज से नहीं है, ये इतिहास जो है ये सृष्टि के संरचना से पूर्व की है। मानते हैं कि जो बक्सर है उसकी संरचना सृष्टि से पहले की है। हम आपको और कुछ तरफ ले जाए और आपको इस क्षेत्र की आभा से, इस क्षेत्र से रूबरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे अगर हम आएंगे तो ये भी जो क्षेत्र है वो हमने आपको दिखाई, लाइटों से शोभित है। और यहाँ अभी देखिए इस तरह के कारपेट बिछाए जा रहे हैं, संभावित तौर पे पूरी तरह के चार्ट प्रबंध किए जा रहे हैं। ये देखिए कुछ संस्थाएं के लोग हैं यहाँ पर आकर मदद या फिर ऐसे कुछ शिविर लगाने के प्रयास में है। हम आपको मंच के पास लेके जाते हैं और दिखाते हैं। रहने की भी व्यवस्था है, मंच बहुत बड़े बने हैं क्योंकि काफी दूर दूर से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे संत आ रहे हैं जो अपने आप में उनका नाम है बहुत ही कल यानी 8 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो संभवतः जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के संरक्षक डॉक्टर मोहन भागवत का भी यहाँ पर आगमन होगा। उसको लेके यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए मंच के हम काफी करीब हैं। मंच देखिए जो बना है, ये मंच है और इसकी भी पूरी लाइटनिंग की व्यवस्था है। हर तरीके से यहाँ इस क्षेत्र को, ये अतीत को जिंदा करने का ये जो काम हो रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है। और हर बक्सरवासी को इसमें शामिल होना चाहिए, हर बक्सरवासी को इसके लिए जयकारे लगाने चाहिए और हर बक्सरवासी को इसका गुणगान करना चाहिए। मैं फिर से यही बात बोलूँगा, फर्क ये नहीं पड़ता कि कार्यक्रम कौन कर रहा है, फर्क ये भी नहीं पड़ता कि कार्यक्रम में कौन आ रहा है, फर्क इससे भी नहीं पड़ना चाहिए कि कार्यक्रम क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन फर्क इस बात का है कि हमारे अतीत को जगाने का काम है। फर्क इस बात का है कि ये बक्सर के पुनरुत्थान का सवाल है। फर्क इस बात का है कि बक्सर में हो रहा है। और फर्क इस बात का है कि पूरा देश आज बक्सर को देख रहा है। अयोध्या में जब दीपावली मनती है, अयोध्या में जब राम लला विराजते हैं, मथुरा में जब कृष्ण लला का दरबार सजता है, तो क्या बक्सर में प्रभु राम की जो शिक्षा चली गई है, भगवान वामन का प्रकट केंद्र रहा है, माता अहिल्या का उद्धार भूमि, 88,000 ऋषियों का ये क्षेत्र रहा है, अनगिनत इतिहास दर्ज है, क्या इस भूमि के की पुनः परिकल्पना की जो योजना है उसका गुणगान क्यों ना होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है अद्वितीय है। ये जो कार्य हो रहा है खुद में अति सराहनीय है। हम इस क्षेत्र का आपका दर्शन कराने के लिए फिर से आपको माफ करिएगा, उधर जो गए थे वो रास्ते भी बनावट को लेकर अभी बंद किए गए हैं। तो हम मंच के दूसरी तरफ हैं और ये देखिए चारों तरफ हर तरफ जो व्यवस्था है, ये काफी दूर दूर से, ये दूसरा प्रवेश द्वार है। हम आपको प्रमुख प्रवेश द्वार से लेकर आए थे, ये दूसरा प्रवेश द्वार है। और ये देखिए यज्ञ मंडप की तरफ हम लेकर चलेंगे। अभी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम काफी दूर काफी लंबे क्षेत्र में ये यज्ञ हो रहा है, तो हम भी पूरा वक्त निकाल कर आए हैं, सब काम को छोड़ कर आए हैं आपके लिए असल से भ्रमण कराने के लिए। संभवतः अभी अगले 5 से 10 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो जो है ये अपने आप में इस पूरे असल का मुआयना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे यहाँ जो स्टॉल बने हुए हैं, जो मंच बने हुए हैं, उनके विषय में हम विशेष बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। शोभा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी, लोगों की
खुशियां उसमें दिख रही थी, बक्सर के प्रति स्नेह दिख रहा था, इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिख रहा था। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये देखिए, संभवतः ये जो मंच मैं आपको कुछ देर पहले दिखाया ना, ये वो मंच है जहाँ से हमारे संगीतकार या जो भी आएंगे ऐसे लोग जो संगीत के विधा से जुड़े हैं, वो यहाँ से अपना लोगों को झुमाने का काम करेंगे। ये वही मंच है। और आगे के देखिए, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंच बना हुआ है, बहुत बड़े संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, शायद ये आवास की व्यवस्था हो सकती है, हम थोड़ा करीब ले जाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। ये देखिए, सामने यज्ञ मंडप दिख रहा है, ये सामने यज्ञ मंडप है, बहुत बड़े बड़े राम भद्राचार्य जी और स्वामी जी, जिनका सानिध्य अक्सर बक्सर को मिलते रहता है, चिन्ना स्वामी जी, ऐसे कई बड़े बड़े संत यहाँ पर, उनका यहाँ पदार्पण होने वाला है। ये देखिए, बिल्कुल ये आवास की ही व्यवस्था है, इस तरफ ये आवास की ही व्यवस्था है। ये देखिए, ध्वज पटाखा यहाँ पर लहराने के लिए तैयार है, ये लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जय श्री राम के नारों से बक्सर गूंजने वाला है। और ये ध्वज, ये हमारे मित्र लोग लगे हुए हैं, ध्वजों को तैयार कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे ध्वज ऐसे यज्ञ स्थल के, इसमें सोने की जो व्यवस्था है ये सबके लिए है या फिर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए है? देखिए, ये जो सोने की व्यवस्था है हम आपको दिखाएंगे, ये सोने की जो व्यवस्था है सबके लिए, देख सकते हैं। ये देखिए, एक साथ तकरीबन कम से कम इसमें हजारों की संख्या में लोग सो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ध्वज पटाखा तैयार करते हुए कुछ लोग हैं और इन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। अभी हम आपको ले जाएंगे मुख्य यज्ञ मंडप जो बना है उसे करीब। ये देखिए आप, ये जो नजारा देख रहे हैं, चारों तरफ से सजाया गया है। हमारा आतुन जो था, ये शयन कक्ष है, ये विश्राम कक्ष है, ये उन लोगों के लिए है जो सामान्य रूप से इस यज्ञ में शामिल होने, अपने घर द्वार को छोड़ के कुछ दिनों के लिए या तो रुकेंगे या फिर एक या दो दिन रुक कर ही इस यज्ञ का दर्शन करके जाएंगे। ये मुख्य मंडप है, इसके अंदर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और काफी वक्त भी हो जाएगा। ये लोग लगे हुए हैं, साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और उम्मीद है ये जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है, एक गांव सा बस गया है और फिलहाल अभी ये मंच है, यहाँ से संभवतः संबोधन होगा। कल मैं जैसा फिर से बताऊं, अब विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संरक्षक डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो कल आएंगे और कल उनका मार्गदर्शन यहाँ के लोगों को मिलेगा। ये हम ये क्षेत्र को देख पा रहे हैं, काफी दूर दूर में फैला हुआ है ये लोग, ये कुर्सियाँ हजारों की तादाद में है और आप देख सकते हैं ये जो नजारा है, ये केंद्र आज बन बैठा है। जनसैलाब यहाँ उमड़ने वाला है, बक्सर के अतीत की का ये प्रश्न है। और यकीन मानिए, ये हम आखिरी पड़ाव की तरफ है, ये मंच जो दूसरा मंच है, यहाँ से संतों का और वहाँ लोगों का जो भी आएंगे प्रसिद्ध लोग या अपने क्षेत्र में निपुण लोग, उनका यहाँ पर संबोधन मिलेगा। हम इस क्षेत्र के सबसे उत्तरी तरफ आए हैं, जो मुख्य मार्ग जो बक्सर आरा को जोड़ता है उससे काफी दूर है, कम से कम 300-400 मीटर इधर तक है। ये क्षेत्र जो हिरौली बांध जाता है उसके बिल्कुल समीप है। ये देखिए, यहाँ पे हमको लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों का क्षेत्र है, ये उनके लिए ये टेंट लगा हुआ है जो यहाँ पे कार्य में लगे हुए हैं। काफी बड़ा ये भी है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल वही लोग यहाँ दिख रहे हैं। फिलहाल ये भी जो स्थल है ये खाली है और यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे टेंट आपको दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सा टेंट है, हर पंडाल की हर मंडप की अलग अलग उपयोगिता है, उपयोगिता जो भी हो, पर ये क्षेत्र एक छोटे गांव के प्रारूप में बसाया गया है। और बक्सर, आधुनिक बक्सर के, मैं ये बार बार कहूँगा, सिद्धाश्रम के इतिहास का ये कि नहीं, ये आधुनिक बक्सर के इतिहास का सबसे बड़ा संत समागम है, ये आधुनिक बक्सर के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। सिद्धाश्रम जब नाम हुआ होगा बक्सर का, जिस युग की मैं बात करूँगा, जिस युग की हम बात करते हैं, उस समय 80,000 88,000 ऋषि यहाँ पे रहा करते थे,
सोचिए, आज ये भव्यता आपको दिख रही है, आज ये दृश्य दिख रहा है, तब क्या दृश्य रहा होगा जब यहाँ पे एक साथ इतने सारे सिद्ध ऋषि रहा करते होंगे, जब कुछ लोगों के प्रयास से, कुछ संतों के आगमन से यह दृश्य दिख रहा है, तो तब क्या दृश्य रहा होगा जब यहाँ पे 88,000 लोग 88,000 ऋषि निवास करते होंगे। ये दूसरा मंच है जिसके बारे में मैं फिर से बता दूँ, ये दूसरा मंच है, और प्रयास करते हैं मंच के थोड़े करीब जाने का और आपको दिखाने का। मंच के अंदर जाकर पहले वाले मंच को खुला बनाया गया, वहाँ मैं फिर से बोलूँ कि वहाँ ऐसी ही कुछ व्यवस्था होगी। ये दूसरा मंच है, इसके करीब जाएंगे और दिखाएंगे। हर एक लिमिटेड बैरिकेडिंग की गई है ताकि अनायास लोग जा ना पाए। तो मैं आपको मंच के करीब ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा मंच है, संभवतः यहाँ से जो भी प्रसिद्ध संत मनीषी या फिर अपने क्षेत्र में अनुकूल लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ से अपने बातों को रखेंगे। आज हम भले जा रहे हैं लेकिन संभव कल से ये व्यवस्था ना मिले, क्योंकि लोगों की भीड़ है और कौन नहीं चाहेगा कि हम इतने करीब से इन, देखिए इस कार्यक्रम में तो सन्निध है, सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सबकी पोस्टर लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, हालांकि अधिकांश लोगों के पास डिजिटल कार्ड चला गया होगा अगर हार्ड कॉपी नहीं गई है तो। ये देखिए मंच, अंतर्राष्ट्रीय संत मिलन ये लगा हुआ है, पोडियम तैयारियां चल रही है। मैं फिर से बताऊं, कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी का आगमन होगा, और साथ ही ये देखिए ये पंक्ति यहाँ लिखी गई है, श्री राम शरण मम मुझ में राम, श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम। अभी तो लोग आ रहे हैं और इस क्षेत्र का नजारा ले रहे हैं। ये देखिए गजराज सुशोभित है और मंच की शोभा बढ़ा रही है, साथ ही लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, और इस क्षेत्र का ये सबसे हॉटस्पॉट इलाका है। ये आखिरी में कुछ व्यवस्थाएं हो रही है, संभवतः ये स्नानागार शौचालय आदि की व्यवस्था, हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा गया है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर क्षेत्र में खुला ना छोड़ के उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर मैट बिछा दिया गया है ताकि आने जाने में किसी भी तरह के लोगों की कठिनाई ना हो। देखिए बिल्कुल लाखों की तादाद में यहाँ पे जनसंख्या जुटने वाली है, तो उसके लिए ये समुचित व्यवस्था भी होनी अति आवश्यक है। हम इस क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर हैं और हम अभी वीडियो के आखिरी चरण में हैं। हम यहाँ से जैसे जैसे निकलेंगे आपको एक और अलग ही दृश्य दिखेगा। ये विद्युत की व्यवस्था है और ऐसे कई जनरेटर लगे हुए, ये लोग काम में लगे हुए हैं। और साथ ही ये देखिए मंच का पीछे से नज़ारा दिखाया है, काफ़ी दूर तक 200 मीटर तक, 200-300 मीटर तक ये मंच आपको जो ही दिख जाएगा। देखिए 200 मीटर कम से कम या उससे भी ज़्यादा ये दूरी होगी। तो यहाँ दो मंच बने हुए हैं, एक खुले में है और दूसरा जो मंच है वो ये है, ऊपर पूरा ढका हुआ है। तो संभवतः मेरे हिसाब से मैं पुख्ते तौर पे तो नहीं कह सकता, पर जितना आकलन है वो यही कहता है कि ये जो बंद मंच है यहाँ से वो लोग ही संत मनीषी ही अपने बातों को रखेंगे, और जो खुला मंच है वो लोगों को झुमाने के लिए, जो भजन आए भजन कहा रहेंगे, जो गीतकार आएंगे जो यहाँ पे अपने गीतों को रखेंगे उनके लिए है। और रहने की व्यवस्था ये सामने आपको दिख रही है, ये सामान्य लोगों के रहने की व्यवस्था है। पीछे अभी कुछ देर पहले शौचालय वगैरह उधर भी है और दूसरी तरफ भी होगा, और बिहार अग्निशमन सेवा, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, आपातकालिक सेवा। देखिए ये जो सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ एक और है, पूरे मिट्टी वाले क्षेत्र को, पूरे घास वाले क्षेत्र को ढक दिया गया है मैट से और ढका जा रहा है, ये कारपेट पूरा बिछा हुआ है। ये आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, ये देखिए एक का सामने छोटे स्वरूप में गुड़गुल की याद दिलाते हुए हम आपको दिखाएं ये नज़ारा। अब हम फिर से वहीं जाने वाले हैं जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, यानी इस
इस स्थल के प्रवेश द्वार पर। हम दूसरा वाला जो मंच है आपको उस समय करीब से नहीं दिखा पाएंगे, थे वो अभी हमारे सामने है और हम आपको करीब से दिखाएंगे। अभी युवा यहाँ पे आ रहे हैं और फोटोज सेल्फी लेकर खुद का फिलहाल मन बहला रहा है, लेकिन कुछ देर में शाम तक या फिर अगले दिन से ये मंच सजने वाला है। ये वो मंच है जहाँ से लोगों को गीतकारों का मजा मिलेगा, जहाँ से लोग भजन सुन पाएंगे। हर जगह पे विद्युतीय उचित व्यवस्था की गई है। और देखिए ये मेरे सामने दोनों मंच है, ये वो मंच है जहाँ से ये पहला मंच है, दो मंच है। देखिए एक खुला मंच है जहाँ भी भारी मात्रा में लोग बैठेंगे, पूरी व्यवस्था की गई है, और ये वो दूसरा मंच है जो बंद है ऊपर से। और ये सामने आवास, यानी एक चीज हम इस केंद्र को घूम कर इस स्थल को घूम के एक चीज तय करना ही पड़ेगा कि जिस तरह का ये आयोजन है, व्यवस्थाएं भी पूरी पुख्ता की गई है। ये लोगों के बैठने की व्यवस्था है, काफी दिनों से इस योग्य की चर्चा हो रही थी, ये आज पूरे देश का सबसे हॉटस्पॉट पॉइंट बक्सर बना हुआ है। पूरे देश में इस जगह की चर्चा, और हम चाहते भी क्या है, चाहते भी तो यही है ना कि बक्सर को अपना अतीत मिले, बक्सर को अपना गौरव मिले, बक्सर को जो जिस अतीत में जी रहा था, बक्सर का जो अतीत है वो फिर से जागृत हो और वो आज सच होते नजर आ रहा है। तो उम्मीद है जितना हमने कवर किया बहुत हद तक आपने देखा होगा, और उम्मीद है कि आपको ये नज़ारा काफ़ी आकर्षित करने वाला लगा होगा, और विश्वास है कि आप यहाँ आएंगे। ये देखिए ये फिर से सिद्धाश्रम लिखा हुआ है और तीन दृश्य बने हुए हैं, एक ड्रोन कैमरे से शूटिंग चल रही है, लोग फुटेज ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये देखिए सामने एक बालक खड़ा है, कैमरे में शायद आप देख ना पाए लेकिन वो ड्रोन कैमरे से फुटेज ले रहा है। इसमें तीन दृश्य हैं, पहला प्रभु राम द्वारा तारिका का संहार, दूसरा अहिल्या उद्धार, और तीसरा भगवान वामन का जो प्रकट रूप, प्रकट स्वरूप। ये मंच के हम वासरे गए, ये हम यज्ञ स्थल के प्रवेश द्वार। देखिए ये पहला प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार ये तो नहीं है, लेकिन ये भी एक पूर्वी तरफ जो प्रवेश द्वार बना है वो इस तरह बना है। इधर भी बहुत सारा जो क्षेत्र है उसको भी ढका गया है, तो समुचित व्यवस्था है। लाखों लोगों को देख कर ये व्यवस्था बनाई गई है, और यहाँ पे जो व्यवस्था है ये काफी बेहतरीन है। और यकीन मानिए ये जो यज्ञ होने वाला है ये बक्सर में सनातन संस्कृति के हिंदू गौरव को फिर से स्थापित करने का, ये परिकल्पना के साथ ये कार्यक्रम जो हो रहा है उसको सफल बनाने का काम हर बक्सरवासी का है, हर उस व्यक्ति का है जिसकी आस्था है, हर उस व्यक्ति का है जो प्रभु राम को अपना पूर्वज मानता है, हर उस व्यक्ति का है जो भगवान वामन में अपने अंश को देखता है, और हर उस व्यक्ति को है जो उस व्यक्ति को नमन करता है। वीडियो में हमने जो समेटा, उम्मीद है आप उस हर पहलू को हमने छूने का प्रयास किया, जो हमें दिखा, जो महसूस हुआ, उम्मीद ही नहीं ये विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने जरूर आएंगे। देखो बक्सर अपने सभी दर्शकों को, साथ ही उन दर्शकों से जुड़े उन परिवारों को या उनके रिश्तेदारों से ये आग्रह करता है कि आप आए और इस यज्ञ की शोभा में, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। एकदम नाम अमम राष्ट्राय स्वाहा, ये मेरा नहीं है ये राष्ट्र के लिए है, इस परिकल्पना के साथ इस यज्ञ को सफल करें। एकदम नाम अमम राष्ट्राय स्वाहा, ये मेरे नाम के लिए नहीं है, इस राष्ट्र के लिए है, इस राष्ट्र के नाम पे है। इस मंच के बाहरी छोर पर, इस क्षेत्र के बाहरी छोर पर हम हैं और लोग आना जाना जारी है,
ये देखिए जहाँ से हमने यात्रा को शुरू किया था हम वहीं पर हैं और फिर से आपको वो प्रवेश द्वार दिखाएंगे जहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। ऐसे पूरे वक्त तक आप हमसे जुड़े रहें इसके लिए आपका आभार। ये दो प्रवेश द्वार जो बने हैं, ये पहला और एक उस तरफ देखिए दूसरा। ऐसे पूरे वक्त हमारे साथ आप बने रहें, आपका आभार धन्यवाद। और इस क्षेत्र को आप पर जरूर भ्रमण करें, जुड़ने के लिए आभार धन्यवाद। जय बक्सर, जय बक्सर की माँ।